अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज महानूर उमर, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू योर ऑन शो व्यूअर्स। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में, हमेशा हम यहाँ पर आते हैं, बड़ा फन करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, अच्छा खासा हमें रश भी मिलता है, लोग जो है वो लगे हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। वेडिंग सीजन स्टार्ट है, लोग लड़कियाँ स्पेशली खवातीन जो है वो जा रही हैं, दर्जियों को शोर मचा रही हैं कि भाई हमारे कपड़े जल्दी से दे दें। काम वाले जो है वो भी परेशान हुए हैं कि खवातीन को कैसा डिज़ाइन चाहिए। हर लड़की चाहती है कि वो अपने स्पेशल डे पर कुछ डिफरेंट ही पहने और ऐसा डिज़ाइन पहने जो किसी ने कभी ना पहना हो। तो आई होप आपको ऐसा डिज़ाइन मिल जाए, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहे, इन्जॉय करें। आज का हमारा सवाल वो ये है कि हमारा कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है या फेस की हद तक कह लें कि जिसको उल्टा करें तो वो एक और बॉडी पार्ट का नाम बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करें तो वो सब्ज़ी का नाम बन जाता है। ये सारे सवाल हम करेंगे लोगों से और बहुत सारी बातें करेंगे, तो प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेठ है। आपका नाम क्या? सेठ। सेठ, SETH। सेठ, सेठ क्या मीनिंग है इसका? लाइक बदले में, लाइक सीनियर थे उर्दू में आप किस तरह? अच्छा अच्छा ठीक है, सेठ। अच्छा, आज नाम बड़े जो हैं वो डिफिकल्ट मिलते हैं मुझे अक्सर। कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में रहते हैं, शादी थी उसके लिए आया बता। अरे क्या बात है, पाकिस्तान में वेडिंग्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। डेफिनेटली है ना। तो शादी आपका क्या प्लान है, यहाँ करेंगे या अफ्रीका में करेंगे? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, जब प्लान होगा तब देखेंगे किधर कहीं। अफ्रीका के लोग देख देख के आप परेशान तो नहीं हो जाते? ब्यूटी तो देखें पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा सवाल है आपसे, पूछते हैं कि वो कौन हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे उल्टा करें तो वो एक और जिस्म के हिस्से का नाम बन जाता है। क्या बोल जा रही है? क्या सवाल कर रही हूँ? किस तरह का सवाल है ये? चले हमारे फेस का है वो पार्ट। और अगर मैं कौन नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, हमने नाक आँख। हाँ, इन दोनों में से चूज कर लें कोई। नहीं, नाक को अगर आँख बना दिया जाए तो? नहीं, कैसे बनेगा? नाक को उल्टा करें, आँख कैसे बन सकता है? नाक, काक, नाक, हाँ ये भी है। आपको ज्यादा पता होगा, आपके सवालों के जवाब मुझे भी बताएं फिर इसका जवाब क्या है। चलें छोड़े, इसके लिए आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा और प्रोग्राम के एंड में मैं इसका जवाब दूंगी। आप मुझे ये बताएं कि अभी लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? मम्मा और सिस्टर के साथ फाइनल शॉपिंग एंड वी आर गोइंग बैक इन टू डेज। अच्छा, वो शादी अटेंड कर ली नहीं है? कर ली है, 2 days में फ्लाइट है। अच्छा, आप जा रहे हैं तो पाकिस्तान और क्यों नहीं स्टे कर रहे? पिछले 1.5 महीने से। इधर 1.5 महीने से कहाँ कहाँ घूमे पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ गए हैं? लाहौर ही गया हूँ सर, लाहौर सारा घूम लिया। लाहौर सारा, वैसे आप पाकिस्तान बॉर्न है? या जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, फिर तो आप जाहिर है ऑब्वियसली हर जगह घूमे ही होंगे, आपको पता ही होगा लाहौर के बारे में। नहीं, 12 साल बाद आया। 12 साल बाद आए हैं, अच्छा ठीक है। तो आपका क्या प्लान्स हैं, आप शादी करना चाहेंगे लाहौर में? डेफिनेटली कोई ऐसी मिल जाए जो मम्मी की पसंद की करेंगे या खुद की पसंद की? नहीं, अगर खुद पसंद आ गई तो डेफिनेटली। मम्मी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, मॉम डैड की साइड से कोई प्रेशर। क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को? फनकारियाँ छोड़ दें। किस किस्म की फनकारियाँ? बस लोग फनकार हैं और सब लोगों को चांस दे आगे बढ़ने का, ये नहीं है कि मैं पहले। इधर ये फील हुई चीज़ तो बोल दी मैंने, अदरवाइज इट्स ऑल कूल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने कहा लाहौरियों को और पाकिस्तानियों को ये मशवरा है कि फनकारियाँ छोड़ दें, यानी कि आप दूसरों को भी मौका दें। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मा। आपका? नईम। आपका क्या नाम है? उन्जा। उन्जा, उन्जा का मीनिंग क्या है? माउंटेन के टॉप। माउंटेन के, ओके, तो आपको माउंटेन्स पसंद भी हैं? जी। अच्छा, वैसे होता है ना कि कभी हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रख देते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, हम सोचते हैं काश माँ बाबा आपने हमारा ये नाम नहीं रखा होता है। कभी फील आया है ये पसंद है अपना नाम? मैं पसंद करती हूँ मेरे नाम को। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? फिनलैंड में। हम फिनलैंड से आए। फिनलैंड में रहते हैं, अच्छा। क्या वहाँ की खूबी क्या है, क्या खासियत है और क्या स्पेशल है वहाँ पे? मुझे लगता है वहाँ की खूबी ये कि वो बच्चों को ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी मदर टंग को ज़रूर फॉलो करना है, मतलब इनके स्कूल्स में ये इनको मदर टंग सिखाई जाती है। और समटाइम जो बच्चे बाहर रह रहे होते हैं उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी उर्दू आती है। अच्छा, मतलब आप उर्दू बोल लेती हैं, और कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं आपको? थोड़ी सी स्पेनिश भी आती है। ओके, उर्दू सही वाली आती है? सही वाली। कभी पंजाबी बोली है?
बाबा पंजाबी बोलते हैं। अच्छा आप पंजाबी? पंजाबी मैं ईरानी है। आप बोलते हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ और ये फिनिश है। क्या चल रहा है ये यहाँ पे? सबको पता नहीं कौन कौन सी जबानें आती है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस में बात करने की कोशिश करूँ। मतलब वो इंडोनेशियन है। आपको समझ नहीं आती आपकी लाइफ जिगजैग हुई हुई है? शुरू में लगता था लेकिन फिर मैंने भी थोड़ी सी पर्शियन सीख ली, अब नहीं लगता। ठीक है, आप मुझे बताएं आप दोनों की लव मैरिज हुई है? आपको क्या लगता है? लगता तो यही है कि लव मैरिज है, क्योंकि मतलब आप बड़ी यंग लग रही हैं और आपकी माशाल्लाह बेटी भी बड़ी है। नहीं आप नहीं ये यंग है। मैं खवातीन का साथ ही दूंगी। आप कौन सी क्लास में हैं? फाइव ग्रेड में। आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, मामा या बाबा? मामा। किसकी नेचर ज़्यादा अच्छी है? मामा। बाबा की नेचर क्यों नहीं पसंद? प्रॉब्लम है। और मामा। और मामा अच्छा। वैसे मैंने देखा है वैसे तो लड़कियां ज्यादातर अपने फादर्स के साथ अटैच होती हैं। लेकिन मामा पापा पसंद है। पापा मुझे लगता है सिर्फ बाबा फन के लिए, लेकिन मामा सिर्फ हर किस्म की शेयरिंग वगैरह के लिए या शॉपिंग के लिए बाबा पसंद है। शॉपिंग जाहिर है वो कैश तो वहीं से आना है। तो मुझे बताएं कि आप स्पेशली क्योंकि जैसे कह रही है मामा के साथ शेयरिंग कर लेती हैं, तो आपने नहीं कभी बेटी के साथ उनजा के साथ कहा कि टॉक टाइम रखें, हम डेली बात करें? होता है ना जी, लेकिन मेरा ये पूछने का मकसद है कि समटाइम्स या डेली होना चाहिए टॉक टाइम, क्योंकि बच्चे आजकल जो हैं वो पेरेंट्स से बहुत डरने लग गए हैं। डेली होना चाहिए, और तो हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है कि हम डरते हैं या ये डरती हो, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं क्योंकि डे केयर की स्टडी करी हूँ, डे केयर चिल्ड्रन की स्टडी, उनकी साइकी की, तो जिस वजह से ये इसलिए शायद मेरे ज़्यादा क्लोज है कि मैं बच्चों की साइकी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो इस वजह से। आप वहाँ पर डे केयर की ट्रेनिंग ले रही हैं या डे केयर में होती हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ वहाँ पर और वर्क प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि डे केयर का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो बहुत ख़राब है। नहीं वहाँ पर आपको बताइए बात, वहाँ पे स्टडी के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स लगते हैं, प्रॉपर एक डिग्री मिलती है और हमें बहुत सारे एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, फिर जाके आप डे केयर में आपको स्टडी मिलती है, आप रैंडमली वहाँ पे नहीं जा सकते। तो डे केयर में तो बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है बच्चों की। हाँ। तो किस तरह से जैसे अगर मैं मेरी एक बेटी है और अगर मैं सोचूँ कि जैसे मैं आई एम वर्किंग वुमेन और मैंने अपनी बच्ची को डे केयर भेजना है, तो मुझे थोड़ा सा होगा कि उसको क्या वो माँ वाली फीलिंग आएगी, क्या वो उसको पेरेंट्स वाली फीलिंग आएगी? तो ये डेफिनेटली किस तरह से मतलब हम उन बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी रूटीन को देखते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बच्चों की हैबिट्स पूछी जाती हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं हमारे पास, और सारी डिटेल्स पेरेंट्स से हम लेते हैं और फिर उनसे देते हैं, और वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट पेरेंट्स के साथ हम मीटिंग सेट करते हैं। उसमें बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि ऐसा नहीं है, ये जो बना हुआ है ये सिर्फ गलत फहमी है। आप क्या करते हैं वहाँ पे फिनलैंड? मैं बस चलाता हूँ। बस चलाते हैं, ज़बरदस्त। कभी गलत ट्रैक पे तो नहीं ले गए आप? कोई नहीं यहाँ पे तो कोई रूल्स कोई सख्ती से फॉलो नहीं करते वहाँ, फाइन्स इतने हाई है कि आपको रूल के वो पाबंद कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी आप पाकिस्तान में आई हैं, आपको मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रही हैं, व्हाट अबाउट द प्लेसेस, अच्छी लगी हैं आपको? बहुत अच्छी लगी है। कौन सी प्लेस ज़्यादा अच्छी लगी है? फूड के बारे में क्या ख्याल है, फूड कैसा लगा है आपका? बहुत अच्छा है। स्पाइसी है वहाँ पे? कैसा खाना बनता है, आप लोग कैसे देसी बनाते हैं? हम लोग देसी ही बनाते हैं अपने घर में, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पाइसी होता है, वहाँ पे इस तरह की स्पाइस नहीं होती है, लाइट स्पाइस होती है, मतलब घर में भी हम लाइट स्पाइस का ही बनाते हैं। वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ बुंदू खान होना चाहिए, चूँकि मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, नेहा पाए सज्जी सब कुछ बना लेती है, कुछ बना लेती है, सब कुछ तवा पीस भी बना लेती हूँ, कुछ नहीं आता। अगर मैं क्योंकि मैंने एक दिन तवा पीस बनाया और वो ऐसा लगा जैसे तिक्का बन गया, मतलब वो तवा पीस वाली फील नहीं आई, तो क्या इसमें कोई मसाले होते हैं डिफरेंट? आपने ये नहीं सोचना कि ये अगर तवा बना रहे हो तो तवा ही होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए, अगर आप गलत भी बना रहे हो ना वो खाने वाला और वो अप्रिशिएट करने वाला, नेक्स्ट टाइम आप और कुछ ना कुछ ट्राई करोगे और बेटर बना लोगे। Exactly. मैंने किया बस ये था कि मैंने उसको सिर्फ तवे पे बनाया था, तो मैंने कहा ये ले तवा पीस बन गया तवा पीस। अच्छा उनसे मैं आपकी तरफ आती हूँ, उनसे मुझे बताएं कि हमारा एक क्वेश्चन है वो ये कि हमारे सिर्फ एक बॉडी पार्ट है, बल्कि इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि एक हमारा बॉडी पार्ट है फेस तक हम रहते हैं, यहाँ तक कि अपर पार्ट कह लें, उस नाम को उल्टा करें तो वो आपका एक और बॉडी पार्ट बन जाता है। नाक और कान।
इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि लेट मी थिंक, इतने क्विकली आंसर दे दिया. मतलब वाकई शी इज वेरी शार्प. आपने क्या क्वालिटी इनमें देखी, आपने कहा यही मेरी दुल्हन बनेगी. हमारी वैसे अरेंज मैरिज है. अरेंज मैरिज है. तो आपने इनकी तस्वीर देखी थी? नहीं, ये खुद मुझे देखने के लिए आए. आप खुद देखने. आपने क्या कहा, क्या अच्छा लगा आपको इनमें? पोलाइट और फ्रेंडली. फ्रेंडली लगी आप? इनके घर का माहौल बहुत फ्रेंडली था, ये खुद भी. अच्छा, चलें, ये तो बड़ी, यानी कि आपने सबका दिल जीत लिया. अच्छा लगा. हाँ, आपके इन लॉज कैसे हैं ये बताएं? बहुत अच्छे हैं. बहुत. कहाँ, ईरान में होते हैं? नहीं, फिनलैंड में. फिनलैंड में होते हैं. तो आप लोग इकट्ठे रहते हैं या अलहदा रहते हैं? हम लोग डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, लेकिन हम लोग की गैदरिंग्स होती रहती है. गैदरिंग्स होती रहती है. मतलब कोई ईद का त्यौहार आ गया, कुछ आ गया, तो सारे इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं. सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं. बहुत. 7 years के बाद आए हैं पाकिस्तान. पाकिस्तान, आप पाकिस्तान बॉर्न है? मैं पाकिस्तान बॉर्न. पाकिस्तान बॉर्न है. तो आपने इनको पाकिस्तान के बारे में बताया उनसा को? बिल्कुल. हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा पेज बनाया था, जिसमें एक हाथ में इसने फिनलैंड का फ्लैग पकड़ा था, दूसरे हाथ में इसने पाकिस्तान का. और इसने पहले उस दिन 14th August थी, तो इसने फिनिश में बोला कि हुआ इट्स नाइस टू स्पाई हुआ पाकिस्तान, और साथ में फिर इसने बोला कि जश्न आज़ादी मुबारक हो पाकिस्तान. ज़बरदस्त. तो फिर आज आप हमारे लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी ये बोल के दिखाएं उनसा. समझे, आज 14 अगस्त है, तो फिर दोबारा से आप बोले, हम जरा रिकॉर्ड करते हैं इसको, जरा सामने देखें. जश्न आजादी मुबारक. ठीक है, पहले आप बोले कैमरा में देख के जल्दी फटाफट से बोलते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे. मामा सिखाएंगे. जश्न, जश्न आजादी, आजादी मुबारक हो. मुबारक हो. वेरी नाइस. और अब अपनी जबान में फिनिश. हुआ इट्स अ नाइस टू स्पाई हुआ. क्या बात है, ये तो ऐसे लगे इतना प्यार से उन्होंने कुछ बोला. आई लव यू, आई लव यू टू. अच्छा, मुझे बताएं कि आपके फ्रेंड्स होंगे वहाँ पे फिनलैंड में, आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान आप फिनिश में ही बोलें या इंग्लिश में? नो, नहीं, इट्स बेटर कि आप अपनी लैंग्वेज में बोलें जो वहाँ की जबान है. आप उनको ये बता सकती हैं कि यू आर इंजॉइंग हियर? और पाकिस्तान ऑन कीवा. तो सी हुआ उनका. ये क्या बोला आपने, मुझे भी समझा. पाकिस्तान बहुत अच्छा है. पाकिस्तान बहुत अच्छा है. चले, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा. और फिनलैंड से इनका ताल्लुक था और बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही थी. मेरा दिल चाह रहा था हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन जाहिर है हमने और भी लोगों को टाइम देना है. सवाल का जवाब तो उन्होंने यूँ क्विकली दे दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी जल्दी जवाब दे देंगे. तो इस तरह लोग कुछ शार्प होते हैं. हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताएंगे. आज आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है? उस्मान अली. उस्मान क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ. क्या पढ़े हैं? मैथ्स कॉम कर रहे हैं. क्या बनना चाहते हैं? एंकर वगैरह बनना चाहते हैं. और कहाँ से आए हैं? मैं शाहपुर खांजरा से. शाहपुर खांजरा कहाँ है, करके आता है? ठोकरनियाल बे के पास. बड़ा करीब है. तो करीब. तो चले, आप मुझे बताएं, हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करें तो सब्जी का नाम बन जाता है? सब्जी का नाम है आधा. लोगों की खान मेरी तरह भी बंद है. आधा करें तो सब्जी का नाम बन जाता है. जल्दी जवाब दो, बहुत ठंड लग रही है. नहीं, मुझे नहीं बताया. अच्छा, मुझे बताएं वैसे करना क्या चाहते हैं? किसके बारे में? लाइफ के गोल्स क्या हैं? लाइफ के गोल है बिजनेसमैन बनना. गोल है? नहीं, बिजनेसमैन. अभी कह रहे हैं एंकर बनना चाहता हूँ. बिजनेसमैन वैसे जो अभी मैं बिजनेसमैन वैसे मेरा क्या बिजनेस करेंगे? आपके पास आ जाएंगे 5 crore, क्या करेंगे? सच सच बताना है. मेरे पास पैसे हैं, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा. कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे. अच्छा, चले, बड़ी अच्छी बात है. कोई पैगाम देना चाहते हैं आप देखने वालों को? मैं कोई पैगाम नहीं देंगे. दुखी लग रहे हैं आप बहुत. नहीं, दुखी मैं कभी हुआ ही नहीं. बहुत शुक्रिया आपके. थैंक यू. व्यूअर्स, यहां पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो. स्टे विद अस. वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो. इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, जिन्होंने अभी शो को देखना ज्वाइन किया वो ना घबराएं, उनको मैं बता देती हूँ उनको सवाल. और सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करे तो सब्जी का नाम बन जाता है. बढ़ते हैं लोगों की तरफ और पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मोइन खान. क्या करते हैं मोइन? मैं स्टडी कर रहा हूँ मैथ्स कॉम. मैथ्स कॉम. और क्या करना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह मीडिया फील्ड में आऊँगा. मीडिया फील्ड में आएंगे? जी जी. मीडिया फील्ड में क्या चूज करेंगे आप? मुझे प्रोग्राम होस्टिंग का शौक है. होस्टिंग का शौक है आपको. चलें, जबरदस्त. आप बताएं, हमारा एक सवाल है आज का,
कि जिस्म का हमारा कौन सा हिस्सा जिसके को उल्टा करें तो वो एक और बॉडी पार्ट बन जाता है, फेस तक हमारा वो है। अब ये कान है, इसको उल्टा करें तो नाक बन जाएगा। अरे जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब दिया। सवाल व्यूअर्स, अब हम अगला बदलेंगे। आप मुझे बताएं लिबर्टी में इस वक्त क्या कह रहे हैं आप? लिबर्टी में ये भाई का एक छोटा सा काम था तो यूनिवर्सिटी से इधर ही आया। ये जो हमारे भाइयों के काम है ना, ये खत्म नहीं होते, उसके लिए हमारा अपना वक्त जाया हो जाता। भाई अकेला खुद नहीं जा सकता था, दोस्त है आपका वो। हाँ, हुडी खरीदनी थी ना तो इसलिए यहाँ पे आए। उसको खुद हुडी पसंद नहीं आनी थी तो इसने कहा मेरा सारा साथ मिल जाएगा कंपनी। चले अच्छी बात है, कंपनी मिल जाएगी, सर्दी को भी इंजॉय करें। वैसे आपको ठंड लग रही है, आपने सिंगल स्वेटर पहना हुआ है। दोपहर को धूप इतनी निकली कि मैंने स्वेटर उतार दिया, मैंने कहा चलो तंग करेगी। धोखा हो गया आपके साथ? यही धोखा हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अब आपने हुडी खरीद ली है? नहीं, अभी आए हैं फिलहाल, बस आपको देखकर मैंने कहा चलो इंटरव्यू दे देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया, वक्त बड़ा कीमती होता है। आप बताएं ये मुझे कि अभी आपका वैसे ताल्लुक कहाँ से है? मैं पेशावर से। पेशावर से हैं, पश्तो जबान आती है? पश्तो आती है। चलें पश्तो में कुछ सुनाएं, कोई गाना वाना। बदले कड़ली अशनास्तरगी रंदी बशी जमास्तरगी जानान बसंग हिरकम चिकवी मीनाता सरा हाय चिम चिकवी मीना चासरा हो चिकवी मीना चासरा। वेरी नाइस। क्या इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहता है शायर इस शेर में, आई मीन इस गाने में? शायर ये कहना चाहता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हो क्यों वो अपनी नज़रें चुरा लेता है, क्यों आपको इग्नोर करता है बाद में, यानी आपसे आप दिल भर जाता है फिर वो दूसरों को देखता है, तो ये बेवफाई की तरफ ये इशारा कर रहा है। आपके साथ बेवफाई हुई है? कुछ इस तरह ही समझ रहे। फिर आपने क्या किया? लड़कों के साथ बेवफाई होती है, लड़के बस मुस्कुरा देते हैं, लड़कियां तो बस रोने धोने बैठ जाती हैं, सारी जिंदगी का रोग लगा के बैठ जाती हैं। नहीं, लड़के भी बस सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं फिर इसके। बेवफाई का कोई हल नहीं है, बेवफाई का कोई हल नहीं। मेरे माफ कर देने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, माफ करना चाहिए क्योंकि देखिए ना, एक चुप सौ सुख, अगर आप चुप रहोगे तो काफी मामले जो ना सुधर सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, जवाब हमें मिल गया है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एक और सवाल करें, और बड़ा आसान सा सवाल है वैसे ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त लिबर्टी में कौन लोग आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महा। महम? नो, महा। महा क्या करती हैं आप? मैं अभी तो मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फैशन कर ली है, पढ़ाई कर ली है। आई एम अ मदर ऑफ वन। रियली? यस। इतनी स्मार्ट, क्या राज है स्मार्टनेस का, या फिर जीन्स में ही ऐसी हैं स्मार्ट हैं? नहीं, जीन्स में स्मार्ट नहीं हूँ, आप काफ़ी मोटी होगी, इससे ज़्यादा स्लिम थी मैं। इससे ज़्यादा स्लिम? क्या आप नज़र नहीं आएंगी, आपको ऐसे यूं करके उड़ा देंगे लोग? नहीं मैं बहुत। आपके हस्बैंड तो आपसे बड़ा हैप्पी होंगे, वो कहते होंगे स्मार्ट लड़की मिल गई है, कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मौका नहीं मिलता होगा उनको कहने का कि मोटी हो पतली हो जाओ। इनसिक्योर होते हैं सीरियसली, वो बोलते हैं जब हम मार्केट जाते हैं ना, जानबूझ के बेबी मुझे पकड़ाते हैं कि तुम अभी तक तीन लगती हो। मर्द वैसे, मर्द भी इनसिक्योर होते हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर तो खवातीन इनसिक्योर होती हैं कि लड़कियाँ जो हैं देखे ना हमारे हस्बैंड्स को। आपने छूट दी हुई है कि देखो देखो लड़कियाँ देखो? मैंने बहुत छूट दी हुई है, इवन के मैंने अपनी फ्रेंड्स की तरफ से भी उन्हें बहुत छूट दी हुई, क्योंकि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, तो मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। कि वो कहें कि बेगम दूसरी शादी करना चाहता हूँ? नहीं, दूसरी शादी में से आप ही की कोई दोस्त ही ना निकल आया और आप गए क्या, मेरे तो धोखा हो गया। जितनी भी सारी मेरी फ्रेंड्स है ना, सारी जो है भाई कहती हैं। ये आपने एक रखना है, आप भाई जहाँ पे नाम नहीं लेना, भाई बना के रखना है। क्रॉस लाइन है कि इससे ज़्यादा क्रॉस। अच्छी बात, क्या लगती है आपको अपने हस्बैंड में जो बाकी मैं आप देखती हूँ कि यार इसके हस्बैंड में ये अच्छी बात नहीं है तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए? ही इज़ सो केयरिंग, और अभी आप देख लेंगे बेबी उनके पास है और मैं मार्केट में इंजॉय कर रही हूँ तो कितने अच्छे होंगे, कोऑपरेटिव हैं बहुत। मेरे भी हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं, देखिए मैं काम कर रही हूँ वो बेबी संभाल रही है मेरी। हैं आप भी मैरिड? हाँ माशाल्लाह, देखिए मेरी भी एक बेटी है। वाकई कितने ईयर्स की है? अभी तो 6 मंथ की है। अच्छा, मेरा बेबी 3 ईयर्स का, मेरी शादी को 4 साल हो गए। माशाल्लाह, सक्सेसफुल मैरिज का राज। सक्सेसफुल मैरिज का यह राज है कि थोड़ा सा स्पेस टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे की प्रेजेंस को, कि मैं उनको कहती हूँ आप जाएं अपने फ्रेंड्स की तरफ जाएं, बोल रही हूँ अभी स्क्रीन पे भी बोल रही हूँ, देख लो सुन लो, कि मैं कहती हूँ जाओ इन्जॉय करो और मुझे भी स्पेस दो, आपको स्पेस देना चाहिए। और यही एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का आपको मैं राज बता रही हूँ कि आपको दोनों एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। और दिस इज़ फॉर माई सिस्टर, शी इज़ गोइंग टू बी राइट नाउ, शी इज़ गोइंग टू बी मैरी,
तो तुम भी अब थोड़ी सी बड़ा नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है कि स्पेस देनी चाहिए और इसी तरह आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग भी होता है, केयरिंग होना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ अपनी फैमिली को और खाना बनाती हूँ अच्छा, तो खाना अच्छा बना लेती हैं वो हस्बैंड के लिए क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, बिरयानी निहारी। आप अगर उनका मूड ख़राब हो जिस दिन बहुत ज़्यादा और आपको समझ ना आ रही हो कि मैंने इनको ठीक कैसे करना है, तो क्या करती हैं आप उनके लिए? खाना बनाती हैं या उनको चॉकलेट्स कोई फ्लावर कुछ इस तरह? वैसे लड़कियां ये करती नहीं हैं, ये लड़के ही करते हैं। करती हैं लड़कियां कि हमारे लिए करी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत सीरियस पर्सनैलिटी हैं और मैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट। तो मुझे बड़ी जॉली और बड़ी फ्रेंडली लग रही हैं। हाँ, ये कैसे फिर ऑपोजिट आप मैनेज कर लेती हैं? आपको मतलब होता नहीं है कि यार मैं जिस तरह हूँ ये ऐसा क्यों नहीं है? एक्चुअली आप देख लो जितनी भी हैप्पी मैरिड लाइफ है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो वो चलता है। जितनी लड़की टॉकेटिव होती है लड़का उतना ही सीरियस होता है तो उनकी चलती है, और अगर दोनों ही टॉकेटिव होंगे बात करेंगे तो वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक यहाँ बोलने वाला और एक सिर्फ खामोश रहने वाला होना चाहिए। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाने में स्पेशल अच्छा क्या बनाती हैं? कोई रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करेंगी मियाँ को बनाने वाली रेसिपी? रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी, इट्स वेरी लॉन्ग हो जाएगा कि मैं इसकी। आप बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी थी? बिरयानी की भी कर सकती हूँ, निहारी की भी कर सकती हूँ, लेकिन अच्छा चलें आप मैं आप कुछ और इंटरेस्टिंग सा पूछ लेती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा कि एक फल है जिसको आधा करें तो वो सब्जी का नाम बन जाता है। एक फल है उसको आधा करें तो सब्जी का नाम बन जाता है। गूगल करो सिस्टर्स। हेल्पलाइन लेना शुरू कर दिया। हेल्पलाइन वन, एक फल है जिसको आधा करो तो सब्जी, और मैं घर में बैठ के सारे जो आप पूछ रही होती हूँ सारे मैं कहती हूँ इसका जवाब ये। अच्छा, और मैं स्पेशली अपने शो में कहती हूँ कि अपने दिमाग से सोचें, गूगल को छोड़ दें, हमारे पास सहूलत आ गई है ना फ़ोन, अब हम हर चीज़ जो है वो फ़ोन पर कर लेते हैं। नहीं, जो आप मैं घर पर शो देख रही होती हूँ वो मैं सारे आपके जितने भी आप बुलवाती हैं पूछती हैं क्वेश्चंस तो मैं इजीली जवाब आते हैं लेकिन आप थोड़ा सा पजल हो गई। आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो आपने स्टडी क्या किया था शादी से पहले, क्या करती थी? मैं मैस कॉम कर चुकी हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, और अभी अपनी हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं अपने ड्रेसेस बना रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आप रुकी नहीं है? अभी रुकी, कंटिन्यू है, काम कर रही हैं और करती रहेंगी इंशाल्लाह। अपना अभी ब्रांड लॉन्च करना है इंशाल्लाह, तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। और हस्बैंड और आप दोनों मिलके कर रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड उनका अपना काम है, उनका अपना। आप अपना करना चाहती हैं, यानी कि ये तो फिर वो बड़ी आपको उन्होंने मोटिवेशन दी होगी, बड़ा सपोर्ट कर रहे होंगे आपको कि ये काम करें। मैं चाहती हूँ कि वुमेन को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी एज में, आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपने फादर पे, ना ही ब्रदर्स पे, ना ही हस्बैंड पे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये आपकी बहन जो अब जिनकी शादी होने वाली है उनको ये बातें समझाती हैं या वो कहती हैं अच्छा अच्छा चलो चुप करो तुम ज़्यादा ना बताओ मुझे? यार जब मेरी शादी हुई तब मैं भी नहीं सुनती थी, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, अब शादी के बाद लेना चाहिए था। और अब जिनकी शादी होने वाली है उनको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके हस्बैंड आपको अलाउ करते हैं तो आप करें, अगर वो नहीं अलाउ करते तो आप फोर्स ना करें। आप अपनी लाइफ अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो यू शुड इन्जॉय योर सेल्फ। लेकिन ज़्यादातर तो मैरिड लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप इस कॉन्सेप्ट को मानती हैं? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होता है, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से आपको करना होता है। एक जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो फिर कुछ और ही होता है, वो हेल्दी लाइफ नहीं होती, वो एक अच्छा रिलेशन नहीं होता, वो बस आप मजबूरी के तौर पे कर रहे होते हो मौत तक, तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा इनसे बात करके, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, शो को पसंद करते हैं, देखते हैं, और ये इससे मेरी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं, इस वक्त लिबर्टी में हैं और भी लोग खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुमेरा। आपका क्या नाम है? परीशे। परीशे, आपको तो प्यार से परी कहते होंगे। जी, है ना, ठीक है। आप करती क्या हैं, कौन सी क्लास में? फाइव क्लास में। आप क्या करती हैं? एम टीचर। टीचर, तो मामा जो हैं वो आपकी मामा लगती है? नहीं जी। ठीक है, इतनी सोच के इसको जवाब दिया है। मदर है आपकी, तो मामा जो है वो घर में भी आपके साथ टीचर बनी होती हैं या घर में पोलाइट हो जाती हैं? घर में पोलाइट ही होती है। पोलाइट ही होती हैं। तो आप स्कूल में कैसी टीचर हैं, पोलाइट हैं या स्ट्रिक्ट हैं? मैं पोलाइट टीचर, बेसिकली मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जिसमें फ्रेंडली वे में बच्चे जो हैं वो लर्न करें चीज़ों को। अच्छा, मुझे बताएं अगर हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएं तो बच्चों का डर आपको लगता नहीं निकल जाता है, वो मतलब लाइन क्रॉस कर लेते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोलाइट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइन से हट जाएं या फिर अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको छोड़ दें। वी हैव टू टीच देम दैट कि आप अगर हम उनके साथ पोलाइट हैं तो दे हैव टू बी इन देयर लिमिट्स, और उसके साथ साथ थोड़ी सी हमें सख्ती इस लिहाज से करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमें चलना पड़ता है। दैट्स बेसिकली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने शादी के बाद सोचा क्यों कि आप टीचर ही बने और आप यही करें कि पहले से करती आ रही हैं? आई एम अ बॉर्न टीचर, बेसिकली आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर। तो शादी बॉर्न टीचर, यानी बचपन से ही आपको शौक था कि आप सारे, मुझे लगता है कजन्स को बिठा लेती होंगी और पढ़ाती होंगी उन्हें, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट, बट मुझमें वो स्किल्स थी, टीचिंग स्किल्स थी जो क्लास को पढ़ाती हैं। मैं बेसिकली मैंने कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया था और अभी मैं करंटली स्कूल में कर रही हूँ, पढ़ा रही हैं। चलिए ठीक है। परीक्षा, आप मुझे बताएं कि आपका नाम किसने रखा? मामा ने। मामा ने रखा। आप इस नाम के पीछे, वैसे होता है ना लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि नाम जो है वो पर्सनालिटी पे बहुत असर करता है, तो ये बात ठीक है? टू सम एक्सटेंट वी कैन नॉट से कि ऑन द एक्जैक्टली ऐसे हो, काम करता बिल्कुल ऐसे ही है। चले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। हमारा एक सवाल है कि एक फल है जिसको आधा करें तो वो सब्जी का नाम बन जाता है, कौन सा फल है? गर्मियों का या सर्दियों का? दरमियान का है। दरमियान का। इट्स नेम स्टार्ट्स विद विच लेटर? नो, ये तो नहीं मैं बता सकती। नो नो, बड़ा आसान। अच्छा चलिए मैं आपको साइज कलर बता देती हूँ। रेड। रेड मैरून। रेड मैरून। परीक्षा लंबी सोच में चली गई है, गहरी सोच में है। स्ट्रॉबेरी। रेड मरून समथिंग। एप्पल। सेब। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं परीक्षा, आप क्या शेयर करना चाहती हैं आज कैमरे के सामने? सुनाना चाहेंगी? कभी आपने स्पीच की है स्कूल में? सिंगर एज वेल। अच्छा, मामा आपकी कह रही है सिंगिंग स्किल्स हैं। चलें जी फटाफट सुना दें। अब असल में मैं ना पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं सुनती, मैं केपॉप सुनती हूँ। तो सुना दें आप जो मर्जी सुनाएं, हमने आपको कौन सा कुछ कहना है? असल में मैं बहुत शाय हूँ। शाय? आप मेरी तरफ देख के सुना दें। चले आप लोगों की तरफ ना देखें, ठीक है? आई लव यू एंड मी डांसिंग इन द मूनलाइट, नोबडी कैन सी, इट्स जस्ट यू एंड मी टुनाइट। बस एक दो लाइन ही आती थी। चले कोई बात नहीं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या अच्छा मैसेज, कोई अच्छी बात मदर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? जी मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उनको अपने बच्चों की नीड्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ना सिर्फ मटीरियल नीड्स का ही ख्याल नहीं रखना चाहिए, उनकी इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए घर में, सो दैट दे कैन शेयर देयर एवरी फीलिंग, एवरी थिंग विद देयर पेरेंट्स, और ईजीली वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली माहौल में हर चीज़ शेयर कर सके। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कॉमन कि बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर जा रहे हैं, लाइक गैप आ रहा है उनमें बहुत ज़्यादा। तो मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं घर में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच परीक्षा। थैंक यू व्यूवर्स। आपने देखा परीक्षा ने जो है वो कोशिश की थोड़ा सा गाना गाने की। बच्चे जो है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, शाय होते हैं, तो हमारा भी यही होता है कि हम इनका कॉन्फिडेंस डेवलप करें, कैमरे के आके बोल सकें। व्यूवर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, चाय का कप आपने रखना है अपने हाथ में और थोड़ा सा वेट करना है। मैं यूं गई और यूं आई। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बड़े प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे अच्छे पैगाम लेंगे, बच्चे मिलेंगे तो उनसे करेंगे बहुत सारे सवालात और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं, ये सारी बातें आज हम उनसे करने वाले हैं। तो चलिए मैं अब आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कबीर खान। सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, मियाँ वाली से आए हैं? क्या बात है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपके पास जो गन होती है उसको चलानी भी आती है? बिल्कुल आती है। पहले आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं? ट्रेनिंग कराते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। कभी गुस्सा आया है? नहीं, कभी गुस्सा नहीं आया। आपने कहा पिस्तौल चला दूँ, सामने होता है ना लड़ाई, फिर दुश्मन जो आज है बंदा हमला करता है। कभी आए हैं दुश्मन? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, अगर आएंगे तो जान दे देंगे। जान दे देंगे? नहीं, जान नहीं देनी, बचाना है अपने आप को। और सही, चलें आपसे सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करें तो वो सब्जी का नाम बन जाता है? फल वो, उसका जवाब तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक शेर है। अच्छा, शेर सुनाना चाहते हैं, सुनाएं जी। ना दिल होता ना दिल रोता,
ना दिल से दिल जुदा होते, ना तुम इतने हंसी होते, ना दिल तुम पे फिदा होता। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, शेर आपने सुना, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और लोग आज आपको क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शिरान खान तनोली। आपका क्या नाम है? जलाल मीर खान अफरीदी। वेरी नाइस, और आप कितने क्यूट हैं आप। मुझे सब लोग ऐसे क्यूट कहते हैं। बिकॉज यू आर क्यूट, और आपकी आईज भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? टू क्लास में है। मैं देख रही थी आपको बड़ी शरारतें कर रहे थे, आप भाग रहे थे। मैं भाग नहीं रहा था, मैं चिप्स खा रहा था ना, जो चिप्स का मसाला मेरे मुंह के ऊपर लग गया था वो मेरे, तो मैं अपने हैंड वॉश करने गया था। अभी तो आपके हैंड वॉश नहीं हुए, दिखाइए जरा, ये तो आपके हैंड वॉश हुए ही नहीं है ये थोड़े, बस वो लाल कलर है सिर्फ, चिपक गया लाल कलर। आप मुझे बताएं आप लाहौर से ही, आपका ताल्लुक है? नहीं, मैं पिंडी। पिंडी से आए हैं आप? भी पिंडी से ही आए हैं? जी जी, मैं भी पिंडी से। आप भी पिंडी से आए हैं, क्या लगते हैं आपके? ये मेरे भाई हैं, छोटे। छोटा भाई है आपका, आप क्या करते हैं खुद? मैं वेला हूँ बस, कुछ नहीं करता। आप पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई छोड़ दी है। कब कब कितना पढ़ा? बस अपना ओ लेवल्स सारे कर लिए, बस इंशाल्लाह ए लेवल्स का प्लान है। अच्छा, ए लेवल्स का प्लान है, ठीक है। अभी लाहौर कैसे आना हुआ है? वैसे ही काम से आना पड़ा। काम से आना हुआ है, आप बिजनेस करते हैं, ठीक है जी। आप मुझे बताएं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं तो एक मिलिट्री बनना चाहता हूँ। मिलिट्री में जाना चाहते हैं और मैं ऑफिसर बनना चाहते हैं। यस, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अपना नाम झूठे बता देता है, इसका असली नाम है शिरान मोहम्मद शिरान खान अफरीदी। अच्छा, जिन्होंने आप अपना नाम गलत बताया है। देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आपने अपना नाम गलत क्यों बताया? वैसे ही मैंने नाम तो गलत नहीं बताया, मैंने नाम पूरा बताया नहीं, इसलिए कह रहे गलत बताया। ठीक है जी, चलें। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं? आई नो। चलें मुझे जल्दी से फटाफट से बता दें, एक फल है, एक फ्रूट है, उसके नाम को अगर हम आधा करेंगे उर्दू में तो वो एक सब्जी का नाम बन जाएगा। फल, फल है तो मुझे नहीं आती है, जरा तेज। आप बताएं क्या आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? सेब। सेब, अच्छा ठीक है। तो आपको हिंद को जबान आती है? क्या जबान आती है? कौन सी जबान? ये कोई जबान होती है ना, एक लैंग्वेज होती है, पहाड़ी लोग बहुत बोलते हैं। कहाँ कहाँ गए हुए हैं पाकिस्तान में आप? मैं लाहौर, ये इस जगह पिंडी, इस्लामाबाद एंड अब्दाबाद एंड स्कर्दू एंड बस। अच्छा, मामा बाबा कहाँ हैं आपके, ये बताएं? वो जो यहाँ पे वो जो मिनी सी ब्लू कार देखे ना, उसके आगे वो जो एक वाइट कार है ना, उसमें उसमें है। और आप बाहर शरारतें कर रहे हैं, लग रहा है आप मुझे बड़े शरारती से हैं ना? असल में आपको मैसेज देना चाहते हैं? कोई मैसेज नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इंटरव्यू भी देना चाहते हैं लेकिन बॉदर भी नहीं करते हैं, तो कभी कभी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरबानो। शहरबानो, क्या बात है, शहरबानो मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी है। आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? नाइन्थ में। और प्लान्स क्या हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं? आर्मी में जाऊँ। आर्मी में जाएंगी, चलें, बड़े अच्छे गोल्स हैं। मुझे बताएं अभी लिबर्टी मार्केट क्या करनी है, शॉपिंग के लिए आई हैं, वैसे ही फन करने आई हैं, सर्दी इंजॉय करनी है? शॉपिंग के लिए आई। अरे आपने तो कुछ पहना ही नहीं, बहुत ठंड नहीं लग रही? नहीं। पत्थर की है? ठंड लग रही है ना, सच सच बता दें? नहीं। तो कुछ पहना क्यों नहीं हुआ, बीमार हो जाओगी आप? No. नहीं होती। नहीं होती, मामा डांटती नहीं है कि बेटा कुछ पहनो बीमार हो जाओगी? कहती है ना, वो देखो मुस्कुरा रही है। चलो अम्मी को भी पता है बाद में बीमार होंगी तो मैंने ही संभालना है, मैंने ही लेके जाना है ना? हाँ जी। अच्छा शेरबानो, मुझे ये बताएं कि अभी कोई इवेंट आ रहा है, शादी की कोई शॉपिंग करने आई है? नहीं, वैसे ही आई है। लाहौर से ताल्लुक है आप लोगों का? नहीं, जंग से। जंग से। जंग की मशहूर चीज़ क्या है, खाने पीने की या कोई ऐसी जगह? ये क्या है? ये क्या है? उधर होते हैं। ये क्या चीज है? उधर होते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है शेरबानो आपको बहुत ठंड लग रही है, आपको देखे मुझे और ठंड लग रही है। अच्छा मुझे बताएं, हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसको आधा करें तो वो सब्जी का नाम बन जाता है? आधा, अब भें ना बोल देना। मुझे मैं शो के बाद पूछूंगी ये भें क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ढंग से इनका ताल्लुक था और ये पता नहीं किस चीज़ का नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फजीला। आपका? अब्दुल नाफे। खदीजा। कौन कौन सी क्लास में है? मैं 6th।
आप? 5 4। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं कि आप तीनों क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर। आप? पायलट। आर्मी। आर्मी, वेरी नाइस। आर्मी में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसको आधा करें तो वो एक सब्जी का नाम बन जाता है? ऑप्शन ऑप्शन ये है कि आपको मैं उस फ्रूट का कलर बता देती हूँ। उस फ्रूट, वो इतना छोटा सा फ्रूट होता है और उसका मरून कलर होता है, मेहरून सा। कुकम्बर। ओ, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। फाइनली बच्चों ने जवाब दे दिया। आप तीनों कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं वन बाय वन? नहीं। आप क्या समथिंग, मतलब क्या सॉन्ग आप सुना सकते हैं, पोइम सुना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप सुना सकते हैं। हम तीनों इकट्ठे सुना सकते हैं? हाँ, तीनों इकट्ठे भी सुना सकते हैं। कौमी तराना सुना? जी जी, सुनाएं। ये ले माइक, आप सेंटर में पकड़ लें और आप तीनों कौमी तराना सुनाएं। पाक सर जमीन शाद बाद, की शरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अजमे आलीशान, अजमे पाकिस्तान, मरकजे यकीन शाद बाद। पाक सर जमीन का निजाम, कुवते अवाम, कौमुल सल्तनत भाई भाईदा विंदाबाद, शादबाद मंजले मुराद, जमे सितारो हिलाल, रहमते तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबा साए हुदाए जुलुल जलाल। चलिए जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो है वो बड़ा अच्छा कौमी तराना सुनाया। वैसे मैं सुन नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, और आप लोग इन्जॉय करें। थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। बच्चों ने कौमी तराना सुनाया, आपने बताने क्या, इन्होंने बिल्कुल सही सुनाया। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, वाह क्या बात है। आपको पता है आपके नाम का मीनिंग क्या है? जी, चांद की रोशनी। चांद का नूर, एग्जैक्टली चांद। वैसे इतनी रोशनी आप भी बिखेरती हैं मेरी तरह। हाँ जी, जरूर है ना, जरूर। क्या करती क्या हैं आप? मैं होम शेफ पे काम करती हूँ। होम शेफ, फूड पांडा। ज़रा हमारी लड़कियों को भी समझाएं कि लड़कियां कहती हैं हमें ना वे नहीं नज़र आ रहा, करना कैसे है, इनिशिएट कैसे करना है, कुकिंग का क्या करना है, तो वो आप थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अच्छी जगह से कोर्स करना चाहिए, मतलब आपकी जब रेसिपी परफेक्ट होगी तो फिर आपको लोग ऑर्डर भी करेंगे, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके अच्छा ईटी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ज़रा ये भी है कि जैसे आप ज़्यादा सारी चीज़ बना लेती हैं क्वान्टिटी में, क्या करती हैं, और अगर ऑर्डर्स ना आए तो वो ज़ाया हो गई? नहीं नहीं, अगर ऑर्डर्स ना आए तो हम लोग पुराना बेचने से अच्छा ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि फिर ये है कि हम लोग जो आता है ऑर्डर करते हैं उसको फ्रेश मिलना चाहिए। लेकिन फूड ज़ाया होना तो बहुत बुरी बात है ना? ज़ाया नहीं, मतलब ऐसा है यानी कि घर में यूज़ कर लेते हैं, कर लिया, मतलब कर लिया कि मतलब कस्टमर को नहीं ऑर्डर दिया जाना। ठीक है, तो वैसे आप तो मुझे बड़ी छोटी सी लग रही हैं, तो इतनी जल्दी आपने ये काम स्टार्ट कर लिया? कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है इस वजह से। कोई अगर मैं एक आधी कोई रेसिपी आपसे पूछ लूँ, आप बता देंगे मुझे? मुझे बताएं कि ये जो तवा पीस होता है ये कैसे बनता है? तवा पीस को सबसे पहले मैरिनेट करते हैं, उसका जो पीस होते हैं दही के बीच में मसाले डाल के मैरिनेशन करते हैं। ये मसाले कौन से हैं, क्योंकि बनाया मैंने भी ना वो गलत हो गया, अजीब सा बन गया। लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर साथ में, ये गार्लिक पाउडर साथ में, हल्दी थोड़ी सी साथ में, ये जो अगर आपने थोड़ा ज़्यादा टेस्टी करना है तो पेपरिका पाउडर वगैरह करके उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। उसको दही के पीछे मैरिनेट करना है नींबू लगा के, तो उसको मैरिनेट करना है। आप जितनी आपसे कम से कम मैरिनेशन अच्छी होगी उतना अच्छा बनेगा। साथ में आपने उसको स्टीम करके साथ में आपने वो दही के पीछे फिर से मसाला बनाना है, अगर तवा पीस फुल ग्रेवी वाला चाहिए, और उसके बीच में मिक्स करके आप 5 मिनट दम देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये तवा पीस बन गया, तो तवा कहाँ है इसमें? तवा नहीं है, तवे पे रख के नहीं फ्रेक, ग्रेवी उसकी बनानी है, वो तवे पे रख के बनानी है, तवे पे रख के बनानी है। चले ज़बरदस्त। और यानी कि आप अच्छा कमा रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं? जी। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? 6-7 मंथ। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये हमारी जो व्यूवर्स जो यंग लड़कियाँ, उनको इनसे महानूर से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम फौरी अपना काम स्टार्ट करें घर बैठे। आप लाहौर से, आपका ताल्लुक है? जी, मैं लाहौर से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हमारा सवाल है, अब हम वो कर लेते हैं। आपको तो बड़ा पता होगा, आप तो यूँ जवाब दे देंगी। एक फल है जिसको आधा करें सब्जी का नाम बन जाता है?
कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज वाली कौन सी बात है, चले मैं हिंट दे देती हूँ, रेड कलर का फल है वो। अनार, छोटा सा फल है, छोटा सा बेरी। महानूर मायूस कर दिया आपने मुझे। कोई मसला नहीं, आपने प्रोग्राम के एंड में लाजमी इसका जवाब देखना है, ठीक है? कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहती हूँ? खुश रहें और खुश रखिए और अच्छा अच्छा खाइए बाहर से और इंजॉय करें। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू महानूर, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि इतनी छोटी सी कम उम्र में जो है वो काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं। इस तरह हमारी ख़वातीन को भी चाहिए, स्पेशली यंग लड़कियां या घर में जो औरतें बैठी हुई हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि हम कौन सा काम करें। मैं हमेशा जो बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आती हूं आपको बताती हूं कि इतने पैसों में, कम पैसों में आप बहुत कुछ कर सकती हैं, तो लाजमी करें। औरतों का भी काम है कि वो सिर्फ घर के कामों में ना पड़ी रहें, वो बाहर भी निकलें और इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसी बात से और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो अच्छा क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौमान। नौमान क्या करते हो? मैं टायरों का काम करता हूँ, टायर शॉप पे। टायरों से मुझे याद आया, गड्डी टहरा तो कुड़ी पैरा तो, ये सुनिए मिसाल। हाँ जी, बड़ी दफा सुनी हुई है। है ना, ये बात वाकई सच है? हाँ सच है। शादी हुई भी है? नहीं नहीं। लिबर्टी में क्या कर रहे हो? वैसे घूमन फिरन। घूमन फिरन आए हो, कितने दे रिहायशी हो तुसी? मैं हूँ जो बावलपुर का रिहायशी है, लेकिन इतने पीछे मॉडल कलोनी रहना है। अच्छा, तो लाहौर के लोग तेन पसंद है कि नहीं? देखो जरा मेरी पंजाबी क्या हुई है, लाहौर के लोग आपको पसंद है? हाँ जी, लाहौर के लोग सभी। तू तड़ा पे आ गई, बदमाशी पे आ गई हूँ। अच्छा, लाहौर के लोग अच्छे हैं? हाँ जी अच्छे हैं। सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करे तो सब्जी का नाम बन जाता है? आलू बुखारा। क्या बात है, जबरदस्त, सही जवाब। जवाब किससे पूछ के आए हो? हाँ जी। किससे? बस ये वीडियो देखता रहता हूँ तो उससे। अच्छा चले ठीक है, कोई पैगाम देना चाहते हो आप? नहीं, किसी से नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमें फीडबैक देने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। जाते जाते मैं आपको प्रोग्राम में जवाब दे देती हूँ हमारे सवाल का कि वो कौन सा ऐसा फल है जिसे आधा करें और वो बन जाता है सब्जी का नाम, और इसका सही जवाब है आलू। आलू बुखारा, यानी कि आलू बुखारा को आधा करेंगे तो वो एक सब्जी का नाम बन जाएगा। दूसरा सवाल हमारा ये था कि कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है, जैसे कि ये अंडे गुजर रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम आपको जवाब बताएंगे। सवाल हमारा ये था कि हमारा बॉडी पार्ट कौन सा है ऐसा जिसको उल्टा करें तो वो एक और बॉडी पार्ट का नाम बन जाता है, तो इसका जवाब है नाक। आपने हमेशा की तरह मेरा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।